बिजली विभाग द्वारा हाल ही में एक नोटिस जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि अब 15 नवंबर से श्रीनगर और जम्मू में स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स लगाए जाएंगे। अब पहला सवाल ये कि क्या पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स नहीं लगे हैं, और अगर लगे हैं तो कहाँ कहाँ लगे हैं। यहाँ पर तो ये हाल है कि कुछ इलाकों में प्रॉपर मीटरिंग की गई है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक मीटर्स नहीं लगे हैं। जहाँ कुछ लोग यूनिट के हिसाब से बिल पे कर रहे हैं, वहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो कि अपनी मर्जी का बिल पे कर रहे हैं। लाइन मैन के साथ उनकी सेटिंग है तो जितना मन किया उस महीने उतना बिल दे दिया। तो पहले तो यहीं पर सबसे पहले सवाल आता है कि अब दोबारा से स्मार्ट मीटर्स लगाना, जबकि पहले वाले मीटर्स ही आपसे संभल नहीं रहे हैं, तो दोबारा इतने पैसे खर्च करना और 15 नवंबर से लोगों पर ये एक्स्ट्रा बर्डन डालना नए स्मार्ट मीटर्स का क्यों? दूसरी बात, जब पीडीपी का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ही अभी इतना कमज़ोर है, अगर आप पुराने शहर चले जाएं तो आपको तारों का जाल दिखाई देगा, तो उस तरफ ध्यान ना देकर ये स्मार्ट मीटर्स की ओर जाना ये भी कुछ समझ से बाहर है। पर खैर, चलिए आपको दिखाते हैं कि जम्मू के लोगों ने इन स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन के नोटिफिकेशन पर अपनी क्या राय दी। मेरा यह आखना है कि बिजली विभाग जड़ा है ये अपने मुलाजमे की अज तक पक्का नहीं करी पाया, लेकिन जो कंज्यूमर इन्हें की पैसे दिता है उसी सिर्फ मीटर के मीटर ला दा। 2008 जल्द तुमने देखा होना बम बम बोले की आई स्टेशन शुरू हुई ही, उसले भी मीटर लगे, उसके बाद भी मीटर लगे, हर 4 महीने के बाद मीटर के लाते हैं, लेकिन तुम तारें की आई पास नज़र मारो या खंबे वाले पास नज़र मारो, तुम्हें मीडिया वाले की मेरे को ज़्यादा पता होना कि इन जे खंबे पर तारा लगी दियां इन पर किन्ने शॉर्ट सर्कट होते हैं, जेडे नवे मीटर कनैक्शन लाए हैं, लोड इंदे कोलों डिवाइड नहीं होता, बिजली इंदे कोलों पूरी नहीं लगती है। जम्मू वाले आस्ते कि हर चीज़ जिहड़ी है वो नवी है लगनी है, बिजली का बिल जम्मू वाले दिया दे, बिजली दिखो इतने नहीं होती, हूँ दरबार मूव होने वाला है, दरबार मूव होने के कारण तुसें दिखना बिजली इतने किन्नी है तुहानू लभनी है, तो मीटर जिहड़े ने मेरे ख्याल दे विच ये एक जजिया वाली गल हो रही है सरकार की तरफा, तो मैं तुहाडे माध्यम थ्रू सरकार की अपील करगा कि पहले अपना सिस्टम सुधारो, फिर जिले थोड़ा सिस्टम सुधरी आग कंज्यूमर ने अपने आप थोड़े को पैसे भी देने आना तो बिजली का बिल भी देना आना। कि पहले भी इन्होंने मीटर लगाए हैं उसके भी पैसे देने पड़े हैं, अब जो लगेंगे उसके भी पैसे लगेंगे, तो ये सारा जो पहले जो तारे तूने वायर जो नीचे लमक रही लटक रही हैं इसको तो इन्होंने ठीक किया नहीं, वो अभी सेटिंग हो नहीं पाई इनसे, इससे वायर वगैरह कई बार शार्ट कर देती है, आग लग जाती है, बड़े चांसेस ऐसे हो चुके हैं, तो ये वो कर नहीं पाते, तो अभी पीछे वाला ठीक नहीं होता तो आगे और लेने के चक्कर में पड़े हुए हैं ये, तो ऐसे कैसे काम चलेगा, तो ये इनको ठीक करना चाहिए, पहले पीछे वाला सिस्टम ठीक हो फिर आगे सिस्टम ठीक होना चाहिए। इससे पहले मैं एक ही बात कहना चाहूँगा सरकार से कि जैसे इससे पहले इन्होंने डिजिटल मीटर लगाए, उससे पहले आम मीटर थे, जो भी होगा जैसे अब स्मार्ट मीटर्स का इनका प्रोग्राम है कि स्मार्ट मीटर्स लग जाएंगे ये है, लेकिन कुछ भी करने से पहले पहले जनता की सुविधा के लिए जाना चाहिए। जैसे अभी तक देखिए आप ऊपर में, आपको अगर आपके कैमरा जा सके ऊपर देखिए, डिजिटल स्मार्ट मीटर लगाने से पहले आप इनकी तारों की सिस्टम ही देखिए, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, बिल्कुल बेकार जैसा है, कोई आता नहीं है, कोई सीख नहीं करता। अब जैसे स्मार्ट मीटर्स लगा रहे हैं, लगाएंगे अच्छी बात है, बट इसका ऑटोमेटिकली लोड किस पे पड़ेगा, जनता पे। आप इसका सारा शेष जनता से लेंगे, पैसे भी जनता से वसूल रहे हैं, उनको सुविधा देना चाहते हैं, लेकिन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो जितना भी है पिछला वो ठीक नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो मैं नहीं सोचूंगा कि मैं नहीं समझता कि इससे पहले कोई ऐसा डिसीजन लेने से पहले कि पहले अपनी आपकी तरक्की नहीं करें, उसके बाद ऊपर से जनता के ऊपर लोड डालते जाएं, सिर्फ सेंटर को या लोगों को बताने के लिए हम तरक्की कर रहे हैं या स्मार्ट मीटर, पहले अपना पूरा सिस्टम सेट करें, गलियों की हालत ठीक करें, ये तारों तुरों का सिस्टम ठीक करें, उसके बाद ऐसे इनको डिसीजन लेने चाहिए गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से। देखिए, जो स्मार्ट मीटर्स का विरोध पीडीडी डिपार्टमेंट ऑलरेडी कर रहा है, इन्हीं का डिपार्टमेंट कर रहा है, जो ये प्राइवेटाइजेशन बिजली कर रहे हैं, इनके डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ ही इसके खिलाफ हैं। आप देखेंगे इसको, जो उनके डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी हैं सचिन टिक्कू जी, हर दिन उनका विरोध होता है, मीडिया में देखिए चाहे पेपर्स में पढ़िए। और पहले तो ये इरकान कंपनी का जो घोटाला है, 1700 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट जो इरकान कंपनी को दिया था इन्होंने केबल्स वायर्स का, अभी तक तो वो भी जो 5 लाख मीटर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस था वही क्लेरिफाई नहीं कर पाए, उसमें 1 लाख लगा है, 4 लाख मीटर पे लगने पेंडिंग है, कंपनी रफा दफा है, पहले तो उस पर स्पष्ट करे। 1700 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, 5 लाख जो मीटर पहले केबल्स वायर्स लगानी थी वो कहाँ गई, फिर स्मार्ट मीटर्स पे आए। ड्यू टू कोरोना कोविड लोगों को बिजनेस में इतना ग्राफ डाउन आ गया है
और सरकार की इतनी मजबूरियां क्या बन गई जो स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन की जरूरत पड़ रही है। पहले तो लोग मोबाइल फ़ोन प्रीपेड कनेक्शन से चलाते थे, अब बिजली भी प्रीपेड कनेक्शन से चलाएंगे क्या? स्मार्ट मीटर्स का तो यही है कि पहले भी मीटर लगे हुए हैं, वो भी जैसे भी काम कर रहे हैं ठीक है गवर्नमेंट के, तो स्मार्ट मीटर्स वो ऐसे ही नाम दे दिया, स्मार्ट मीटर्स हो गए जी, ये स्मार्ट हो गए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये स्मार्ट हो पाएंगे। बस गवर्नमेंट को इस सब थोड़े ध्यान देना चाहिए, बाकी हमारी बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा ठीक करना चाहिए, मीटर्स वगैरह जो ये हैं, ट्रांसफार्मर वगैरह है, ये इनको ठीक करना चाहिए, उनमें आग वगैरह कभी लग जाती है तो वो नहीं होना चाहिए।